Hello everyone. I know I should have made this video much earlier, but better late than never. They're very cute people who are inboxing me and commenting me to make this video, so it feels much more special. So I'm sure you must have seen the thumbnail. You know what is this about, and many of you must have seen it on my Instagram story. So I wouldn't necessarily repeat everything, but I would want to make this video much more informative and to tell you how exactly it happened so that you also get something out of it. So I'll quickly tell you how it happened for me. So one fine day, a friend of mine, Shubham, he insisted me, or rather forced me, to watch this 3 hour long podcast video. Give me one unique hack each to a 20 year old boy or girl who wants to become a creator. Thank you guys for coming. It was the longest podcast we've done. मैं बिल्कुल भी नहीं देखती लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट. आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, बट मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करती. बट बिकॉज ही इंसिस्टेड मी सो मच, सो आई गेव इट अ शॉट. आई बहुत टुकड़ों टुकड़ों में मैंने वो पूरा वीडियो देखा एंड इट वॉज वर्थ द वाइल. लास्ट में जाके देयर वाज दिस प्रपोजल ऑफ अ कॉन्टेस्ट बाय ऑल दोस क्रिएटर्स अबाउट व्हिच आई विल पोस्ट हियर. WTF फॉर क्रिएटर्स इज फाइनली हियर. एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड वी ट्राई एंड डू समथिंग टू हेल्प द कम्युनिटी वी आर टीचिंग. We will run a democratic process of picking these creators, really talented young budding guys and girls. We want you to create a 1 minute video talking about something unique about India. It could be anything from your city to your food place to your fashion to any part of India that you really want to showcase. आपको एक मिनट में वीडियो बनाना है और हमें बताना है कि what you think of India. अगर ये वीडियो हमें पसंद आए तो ये सारे क्रिएटर्स को हम एक किट गिफ्ट करेंगे. मोबाइल फोन, एक लाइट, एक ट्राइपॉड, एवरीथिंग यू नीड टू बिकम अ क्रिएटर. एंड वी आर गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टिंग 50 क्रिएटर्स, 50 क्रिएटर्स फ्रॉम ऑल द वीडियोस दैट आर बीइंग सबमिटेड. So when I saw this video, I thought it is very doable. This is something, you know, I should give a shot. I mean, usually सब चीजें doable ही होती है. आपका रिजल्ट उसमें थोड़ा खराब या अच्छा क्वालिटेटिवली हो सकता है, बट यूजुअली हम बस सेल्फ डाउट कर लेते हैं कि नहीं यार, उनके तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, सो मेनी पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट, सो व्हाट आर द ऑड्स दैट आई विल विन द कॉम्पिटिशन. बट थैंक गॉड मैं यूजुअली उस सेल्फ डाउट के क्रैप में जाती ही नहीं हूँ. एंड आई थिंक ब्रॉडली दिस वीडियो इज अबाउट दैट ओनली, बिकॉज ठीक है, एवरी वन नोज कि अब मैं जीत चुकी हूँ, मुझे क्या प्राइसेस मिले हैं, एंड नो वन वुड वॉन्ट टू नो दैट अगेन एंड अगेन. बट आई जस्ट वॉन्ट टू मतलब मेक अ पॉइंट हेयर दैट आई एम ऑब्वियसली प्रेटी मच लाइक यू. आई मीन आई एम एग्जैक्टली यू. मतलब जब हम ऐसे कुछ सक्सेसफुल लोगों को देख लेते हैं तब हम उनसे उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं शायद, बिकॉज हमें लगता है कि ओ अब तो वो सक्सेसफुल हो गए हैं, अब तो उनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, इतने फॉलोअर्स हो गए, दे आर सेलिब्रिटी. तो हमें लगता है कि अच्छा वो ये बन गए हैं, तो अब जो जो चीज़ें उनके साथ अच्छी हो रही है तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट. बट ट्रस्ट मी, मतलब सबकी जर्नी कहीं जीरो से ही स्टार्ट होती है एंड सबकी अपनी यूनिक जर्नी होती है. इट्स नॉट दैट के सबको सेलिब्रिटी बनना है या फॉलोअर सब्सक्राइबर्स ही लाने हैं. आई मीन सबका अपना अपना डेफिनेशन है उस सक्सेस की जर्नी का. बट राइट नाउ आई एम एग्जैक्टली लाइक एनी वन एल्स, एवरी वन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो. आई मीन आई हार्डली हैव एनी फॉलोअर्स ऑन इंस्टा. इट्स 2600 समथिंग, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है. ऑब्वियसली यूट्यूब पे भी मैंने अभी अभी मेरी जर्नी स्टार्ट करी है. बट यू सी, गुड थिंग्स डजंट हैपन टू द सक्सेसफुल पीपल इन योर डेफिनेशन. इट हैपन्स टू पीपल लाइक अस, इट हैपन्स टू एवरीवन. एंड वही उनकी जर्नी होती है जो आपको आगे जाके से लगता है कि ओ दे डिड समथिंग इन लाइफ. तो जस्ट विद द बिलीव के आप भी वही हो सकते हो इफ यू हैव इनफ ट्रस्ट, इनफ फेथ इन व्हाट यू आर डूइंग. एंड मोस्टली इफ यू आर ऑथेंटिक टू व्हाट यू आर डूइंग, विच इज समथिंग आई कीप सेइंग दैट इफ यू लाइक समथिंग, टॉक टू योर सेल्फ एंड बी दैट कॉन्शियस अडल्ट के ओके दिस इज समथिंग आई लाइक, दिस इज समथिंग जिससे मैं लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ, दिस इज समथिंग जिससे मैं इकोनॉमी भी जनरेट कर सकता हूँ, बट मोस्टली समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट. बिकॉज जितनी चीज़ों को लेकर पैशनेट होते हो तो मनी वाली चीज़ भी फिगर हो जाती है, ये रिवॉर्ड्स भी आ जाते हैं, ट्रस्ट में आ जाते हैं. सो या आई मेड अ वीडियो इन अ वीक्स डेडलाइन.
2 months की डेडलाइन थी उनकी तरफ से, बट आई सॉ द वीडियो जस्ट अ वीक बिफोर द डेडलाइन. 8th January को मैंने देखा, 15th को डेडलाइन थी. एंड विथ हेल्प ऑफ सो मेनी पीपल आई मेड दिस वीडियो एंड आई जस्ट हिट द पब्लिश बटन. आई कैन ऑल्सो पोस्ट द वीडियो हेयर इफ यू हैवंट सीन इट. व्हाट्स यूनिक अबाउट इंडिया? वेल, सो मच. Experiment, I asked a few fellow Indians what word pops up in their mind when they think of India and why it resonates with them. Let's find out. ekoi bharat asi athoi minat ka manchin khava amani maramdi ekoi bharat asi prithivi da manchin khava country adinde aalukalde jeevitha reethiye kurichu padikunnathinum manasilakkunnathinum ee oru joli enna sahayichittunde. That's why I love India. संगीत में लोकगीत जौन बाटे वो भारत के तो धरोहर बाटे, लेकिन आज के समय में संगीत बदल गई बा, लेकिन लोकगीत जौन उनका पहले निभाव है भूमिका ऊपर हमेशा रही. समाविष्टा जिसको मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है पर दिल से महसूस किया. प्रांत प्रांत से एक ही बात, प्राण प्राण में है भारत मात. सो दिस वॉज माई वीडियो. हो सकता है इसको देख के ऐसा लगे कि अच्छा ये वीडियो से मुझे 1 lakh प्लस का प्राइजेस मिले हैं. आई मीन देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सो हैप्पी फॉर दिस. आई मीन हैप्पियर देन आई एम फॉर माय ओन अचीवमेंट. दे आर कंग्रेचुलेटिंग मी, द कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हु आर राइटिंग दैट दे आर सो प्राउड ऑफ मी एंड स्टफ लाइक दैट. बट देर आर ऑल्सो पॉकेटफुल ऑफ पीपल हु आर सेइंग, हु थिंक, और इफ देर इवन इफ देर नॉट सेट टू मी, हु दे स्टिल थिंक कि यार इतना भी तो ग्रेट नहीं था, मतलब वीडियो में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, या ओ वाओ तो मतलब काफी लक की बात है दैट आउट ऑफ सो मेनी पीपल यू नो जैसे चिट पिक हो गया है कि 50 पीपल का एंड यू वन एन आईफोन. बट आई मीन आई रिस्पेक्टफुली वुड लाइक टू से कि इवन इफ इट इज लक, इट फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड एंड हु यू नो बिलीव इन देमसेल्व्स एंड हु जस्ट एक्ट ऑन थिंग्स, हु जस्ट जो लोग बातें भी करते हैं बट उन चीजों को अमल भी करते हैं उसमें, मतलब वो काम भी करते हैं, तो उनके फेवर में चीजें होती है. सो द होल आइडिया ऑफ मेकिंग दिस लॉन्ग वीडियो इज दैट टू ऑल्सो शो यू कि अच्छा मतलब क्या पूरी जर्नी रही थी, लाइक व्हाट वाज दिस कॉन्टेस्ट अबाउट एंड व्हाट वीडियो आई अपलोडेड एंड व्हाट आई हैव वन. अब मैंने क्या क्या जीता है उसका भी मैं एक वीडियो डाल दूंगी. आई मीन टू बिगिन विद I love handwritten letters and that's what they have sent, a personalized wholesome letter, some cute stickers, a gorilla tripod stand, 2 must needed mic and this very pretty diary with creator's picture in background, a data transfer cable, a lovely keychain, some flowers which you probably can't see, and the biggest of all, at least money wise, an iPhone 15. Gosh, people around me know how I've been escaping to buy an iPhone because didn't want to spend so much money. And now that I've earned it, it means everything to me. Don't have to explain the ring light too, lol. कैसे लग रहा है तुझे? कैसा महसूस हो रहा है? मम्मी वो तो आप बताओ. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड हो. It's very exciting. The prizes are really exciting. But I think the larger agenda of this particular video is to tell you that just give shot, do things. मतलब जो भी आपने लिखा है, जो भी बनाया है, जो भी कुछ क्रिएट करा है, वो प्रोजेक्ट, वो बुक, वो वीडियो, वो रेसिपी और वट एवर आइडिया यू हैव इन माइंड, जस्ट शूट द बटन, जस्ट अपलोड इट, पब्लिश इट, लेट इट आउट इन द वर्ल्ड एंड ट्रस्ट मी देर आर सो मेनी पीपल हु नीड इट. एंड वो जो भी चीज है, इवन इफ इट इज अ बिजनेस आइडिया, आई होप इट्स मेकिंग सम सेंस टू एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो. And I would just like to say I'm really pretty much like you. I'm मतलब कुछ भी difference नहीं है हम में तो. And if I can win this and if you think it is a huge deal, मतलब थोड़ी सी भी बड़ी deal है तो you can also do it. That's all I want to say. So yeah, thank you so much for supporting me. Thank you so much for just being there with me in this journey and being so happy about my achievements that it feels very personal to share everything with you all. Yeah, thank you so much.